ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबको सूचित किया जाता है कि गतः आने वाले मंगलवार के दिन रात्रि वेला में शिवरात्रि है और भगवान श्री शंकर भगवान के पावन सानिध्य में पावन पर्व पर सभी भक्तों को उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना कल्याण करने के लिए संपूर्ण रात्रि को जागरण करना अति आवश्यक है। इसके बारे में कई शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री शंकर का विवाह हुआ था, तो अहोभाग्य है कि विवाह में उपस्थिति दर्ज कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि विवाह होगा, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, किंतु आप सब जहाँ कहीं भी, फिलहाल तो हम श्री कपिलेश्वर महादेव से बोल रहे हैं, किंतु जहाँ कहीं भी भारतवर्ष में शिवालय होंगे वहाँ आपको पद्मासन लगाकर भगवान शंकर के मंदिर के प्रांगण में बैठना है, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना है और पूरी रात्रि को जागरण करना है। इसके बारे में अगर आपको सही तरीके से संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है तो शिव पुराण पढ़ लीजिए, अन्यथा हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट में कि जागना ही पर्याप्त है। रही बात कुछ क्रियाएं करना, तो भगवान श्री शंकर का मूर्ति स्वरूप और जो लिंग स्वरूप में स्थापित हैं उनको दही दूध बिल्वपत्र और अत्याधिक जितने भी सामग्री से पूजन किए जाएं उतना कम है, और किसी भी दुष्प्रचार के शिकार ना बने आप। कई ऐसे संस्थाएं चल रहे हैं कि पूजाएं बंद करा दें, जिन भगवान के जरिए संपूर्ण सृष्टि संचालित होता है वे भगवान को हम एक आदि लीटर एक कप दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि ये नष्ट मत करो। उनके सोच पर सवाल उठाना चाहिए आपको कि वे भगवान जो पूरे सृष्टि को दूध पिलाते हैं और वे मूर्ख लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को दूध क्यों पिलाएं। अगर संसार में पूरे संपूर्ण जगत में इतने सारे जीव जंतु हैं, वे सब जीव जंतु को भगवान खिला रहे हैं, पोषण कर रहे हैं और जीवित हो रहे हैं, तो क्या आपके आधा गिलास दूध से किसी का पोषण हो सकता है, वो भी एक दिन पिलाने से? इतनी दयावान बनते हो तो हर रोज पिलाओ जाकर। आपको एक दिन भगवान शंकर को दूध पिलाने में भी रोका जा रहा है, कहते हैं भोलेनाथ का दूध सब नष्ट हो रहा है, बोले बहाते जा रहे। हाँ, ये नहीं कहते कि बहुत वयोवृद्ध लोग, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग जाकर दुनिया भर का दारू पान पी रहे हैं, उसमें हजारों करोड़ों रुपये लुटा रहे हैं, वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं दिखता, बस दिखता है भगवान को चढ़ा हुआ और बहुत ही छोड़ा आधा आधा किलो पेड़ा ले जाता होगा, वो दिखता है, बोले भगवान को क्या जरूरत है। तो इसीलिए सब लोग ये सब बाह्याती बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना कल्याण चाहने के लिए आपको ये करना अति आवश्यक है और आप कीजिएगा। जागना ही पर्याप्त है, भगवान शंकर के नाम से एक रात जाग के देखिए, फिर आपका भाग्य ना जागे तो कहना। दूसरी बात ये कहूंगा कि आने वाले
एक तारीख के दिन आपको यहाँ रात्रि में जागरण होने जा रहा है श्री कपिलेश्वर महादेव कलोल में, और हमारे जितने भी बच्चे हैं सब एकत्रित हों और वहाँ अच्छी व्यवस्था के साथ बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हम, और साथ में चार प्रहर की पूजा भी होगी षोडशोपचार से ब्राह्मणों द्वारा। जिन जिन भक्तों को भाग लेना है वो उपस्थित हों, और जिन जिन भक्तों को चार प्रहर के उपरांत जो हनुमान चालीसा में भाग लेना है वो सब बैठकर प्रांगण में हनुमान चालीसा पढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।